गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सुम अध्यानम आप सभी का स्वागत है अन विद्या पर मेरा नाम है सौरभ शर्मा और ये जो सेशन है ये सेशन आपका साइंस विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है पेपर टू सी टेट व अन्य टेट एग्जाम्स में काम आने वाला सेशन है यदि आपका विज्ञान सब्जेक्ट है तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए रहेगा ठीक है सो जल्दी से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज सेशन में क्या क्या क्वेश्चन है कुछ घोषणाएं होती हैं उन घोषणाओं को भी देख लेते हैं एक तो आज का शेड्यूल जितने भी सोशल साइंस वाले हैं नाइन पी रेडी रहेगा सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे क्लियर है तो नाइन पी एम बी दे उसके साथ हमारा एक एमपी टेट का बैच ये शुरू हुआ थर्ड दिसंबर से टेट टी ट्वेंटी टेस्ट आप ये डेली देख सकते हैं सिक्स पीएम पर आप ये सारे टेस्ट कर सकते हैं ठीक है टेट टी ट्वेंटी उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट के टेट टी ट्वेंटी होते हैं तो सी डी पी इंग्लिश हिंदी संस्कृत मैथमेटिक्स साइंस टेट ट्वेंटी होता है ठीक है और ये टेस्ट काफी आपको प्रैक्टिस एक एक्सपोजर देंगे रियल टाइम एग्जाम जैसा लास्ट मिनट बैच फॉर पूजा कृष्णकांत शिल्पी दीप्ति कंचन दीपिका साक्षी रागिनी सभी का स्वागत है टू द सेशन एमपी टेट थर्ड दिसंबर से ये बैच शुरू हो चुका है और ऑल बैच वन सब्सक्रिप्शन दिस इज दार्टे काफी अच्छा है ठीक है और यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं यहाँ पर टेन परसेंट आपको एडिशनल डिस्काउंट के टू एस पी कोड इस्तेमाल करने से और कॉइन से भी आपको टेन परसेंट एडिशनल डिस्काउंट मिलता है क्लियर है चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल डू लाइक द सेशन अगर महत्वपूर्ण तो होगा आपके लिए क्वेश्चन और ये चाहते हैं आप लगातार ऐसी सीरीज में लेके आओ तो उसको लाइक like और शेयर जरूर करिएगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन को जानेंगे उन्हीं के साथ कंसेप्ट को भी जानेंगे चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है जेनेटिक्स के जनक किसे माना जाता है हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स ठीक है तो जीन शब्द आप जानते हैं ये हमारे जितने भी कारक है ठीक है और ये वो शख्स हैं जिन्होंने जीन को फैक्टर नाम भी दिया था तो किन्होंने जीन को फैक्टर बोला कारक बोला ये आपको बताना है बेटिसन है मॉर्गन है मेडन है या वॉटसन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मेंडल है और ध्यान रखिए वर्ष 1900 एडी को हम मेंडलिज्म की सेंचुरी भी बोलते हैं ठीक है मेंडलिज्म की सेंचुरी और सर ग्रेगर मेंडल इनका पूरा नाम था ग्रेगर मेंडल ठीक है कई बार ये भी पूछा जाता है मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट अपना प्रयोग किन के ऊपर करा है तो इन्होंने अपना प्रयोग गार्डन पी ठीक है बागवानी की जो मटर है ठीक है जो कि एक हर्ब है एक झाड़ी है ठीक है जिसे साइंटिफिक नेम बोलते हैं पाइसम सेटाइवम, उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है ये कुछ बातें ध्यान रखिए मेंडल सर ग्रेगर मेंडल भी बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडलिज्म का इन्होंने प्रक्रिया प्रणाली दी थी जीन को कारक फैक्टर बोला था जो भी चेंजेस हैं वो जीन के कारण होते हैं जीन जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं इनके ऊपर जीन प्रेजेंट होता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दो के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा भाई अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा अपना आप क्वालिटी एक बार चेंज करिएगा 144 से लेकर आप 240p पर चेंज कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर नजर आएगा ठीक है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है ठीक है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए या विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए यह आपको बताना है चलिए जल्दी से इसका उत्तर करिए यस जेनेटिक्स इसलिए देखिए प्रयोग हम करते हैं दीपिका तरह तरह पे लेकिन जेनेटिक्स इसलिए कहा क्योंकि ट्रेट्स के बारे में फीचर्स के बारे में हमें वहीं से पता लगा कि टॉल क्या होता है ड्वार्फ क्या होता है तरह तरह के ट्रेड्स हैं है ना और यहाँ पर ए बी और डी बिल्कुल सही कथन है तो पहला कथन सही है दूसरा कथन सही है ये सही नहीं है ये सही है विज्ञान के प्रति सच्चा होना चाहिए ये ध्यान रखिए ट्रू टू लर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा विज्ञान ए ऐसा होना चाहिए कि सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए ठीक है ऐसा ना लगे कि अवास्तविकताएं हम उन्हें बता रहे हैं, उन्हें डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी रिलेट करना चाहिए जीवन से भी रिलेट करना चाहिए इसलिए आंसर वन बिल्कुल सही यहाँ बिल्कुल है यहां पे ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किसे मलेरिया रोग का वेक्टर माना जाता है ठीक है मलेरिया रोग का यस yes, विकास जल्दी से उस उत्तर करिए जो भी नए हैं भाई चैनल पे डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन ताकि आपके साथियों को पता चल सके भाई साइंस यहाँ पे होता है ठीक है क्योंकि यूजुअली साइंस यहाँ पे नहीं होता लेकिन संडे को हम मैराथन क्लास या किसी आ, क्लास को यहाँ से आज पहला क्लास है तो आने वाले संडे में हम मैराथन क्लास प्लान करें क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है पर्यावरण भी है आ, सोशल स्टडीज़ भी है साइंस भी है और ये तीनों ही बड़े सब्जेक्ट हैं ठीक है तो यहां पर हम संडे को सोशल साइंस और साइंस पर जरूर समय देंगे ठीक है चल, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से किसे मलेरिया रोग का वेक्टर माना जाता है तो यहां पर एडीज इजिप्टी है स्पीशी है फीमेल एनोफिलिस है या डॉग्स कैनाइंस है राइट अगर साफ नजर नहीं आ रहा है तो क्वालिटी चेंज कर लीजिए तो मादा एनोफिलिस ठीक है ये ध्यान रखिए मादा एनोफिलिस है जो वेक्टर है मलेरिया का मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से होता है और मादा एनोफिलिस इसे फैलाती है ठीक है एडीज पूछा जाए तो ये डेंगू डेंगू फैलाती है ठीक है डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू जब हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है और डेंगू में बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है ठीक है डेंगू का मच्छर कैरियर मच्छर एडीज मच्छर है ठीक है और क्यूलेक्स जो मच्छर है वो दिमागी बुखार या जैपेज एंसेफेलाइटिस जिसे कहते हैं जेई वायरस क्यूलेक्स का मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर कैरी करता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपेक्षे के लिए उत्तरदायी है ठीक है अपक्षे यानी उसका डिप्लीशन उसका विलुप्त होना ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अम्लीय वर्षा या मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से इसका उत्तर करिए क्विकली तो क्वेश्चन नंबर चार बिल्कुल बहुत बढ़िया ठीक है ध्यान रखिए एक्स ग्रुप किसे कहते हैं एक्स के अंदर हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे हमारे हेलोजेंस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं हेलोजेंस ठीक है और जब भी ये हेलोजन किसी कार्बन के संपर्क में आता है तो बनता है हेलो कार्बन क्या बनता है हेलो कार्बन और हेलो कार्बन हमारे ओजोन परत के अपक्षे के लिए जिम्मेदार होते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है सर इसके अंदर फ्रियॉन्स आते हैं इसके अंदर आपके सी एफ सी क्लोरो आते हैं हेलो आते हैं ये सब वो तत्व हैं वो पदार्थ हैं जो हमारी ओजोन परत को विलुप्त करता है ठीक है ओजोन परत का विलुप्त होना किस में नापा जाता है ओजोन परत का विलुप्त होना डॉपसन यूनिट में नापा जाता है इसे याद रखिए ठीक है और ओजोन काफी वॉलेटाइल होता है काफी जल्दी विलुप्त होता है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कण कई लाख ओजोन के कण को विलुप्त कर सकता है अपक्षय कर सकता है ठीक है अपक्षय कर सकता है उसका तो ध्यान रखिए तो डॉपसन यूनिट में इसको नापा जाता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है इन द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर वी फाइंड ओजोन स्फेयर क्लियर तो इसका उत्तर सेकंड बिल्कुल बेस्ट है चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर इनमें से कौन सा एक एस है इसे मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ तो ये सारी बीमारियों के नाम है तो इंग्लिश और हिंदी में एक ही रहेगा एड्स सिफिलिस गोनोरिया ट्राइकोमोनियासिस ठीक है तो इनमें से कौन सा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ठीक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एस कहते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ठीक है तो खाली एड्स है खाली एड्स और सेफिलिस है गोनोरिया है या इनमें से कोई नहीं है तो आपको बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा है जल्दी से इसका उत्तर करिए वर्ल्ड एड्स डे की हमने बात करी थी सुबह वाले सेशन में करंट अफेयर्स में फर्स्ट दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी आता है बहुत खतरनाक बीमारी जिसके अंदर आप देखते हैं एच के कारण होता है ठीक है तो आंसर है ये सारे ये सारे ही आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं ठीक है तो आंसर हो जाएगा पे थर्ड ए बी सी डी ट्राइकोमोनिया प्रोटोजोवा के कारण होता है गोनोरिया सेफिलिस और एड्स आपके वायरस के कारण होता है ठीक है ये सब आपके एस कहलाते हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लियर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन में आपको सूची मिलान करना है यहां पर दो कॉलम दिए हुए हैं ठीक है ए कॉलम दिया हुआ है और बी कॉलम दिया हुआ है और आपको मैच करना है ठीक है ए कॉलम में ईस्ट आलू शेवेल और कवक दे रखे हैं बी कॉलम में कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग यानी मुकुलन दे रखा है आपको बताना है सही मैच करके क्वेश्चन नंबर सिक्स जल्दी से इसका उत्तर करिए दीपिका सिफिलिस और इसमें गोनोरिया दीज आर आल्सो योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ठीक है तो इसे इस श्रेणी में लिख लीजिएगा एक डिजीज के ऊपर सेशन ले लेंगे जिसमें सारी डिजीज हम आपको करा देंगे ठीक है डोंट वरी जिसमें डेफिशिएंसी भी रहेगा जिसमें कम्युनिकेबल भी रहेगा और यहां पर सबने उत्तर देना शुरू कर दिया है ठीक है तो रेखराज रमेश कृष्णकांत अमरीन हम्म बताइए इसका उत्तर तो सही उत्तर नहीं आ रहा है right. तो ईस जो है हमारा वो मुकुलन होगा इसमें बटिंग होगा ठीक है आलू में कायिक प्रवर्धन देखा जाता है शेवेल में क्या देखा जाएगा शेवेल में खंडन होगा एलगी में फ्रेगमेंटेशन जैसे आप प्लेनेरिया में देखते हैं ठीक है और कवक में हमारा फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं ठीक है सर एक बात देख लो ये कैसे तो ये हमारा ईस्ट है ठीक है ईस्ट में ये देखो मुकुलन प्रक्रिया हो रही है मुकुलन ठीक है यानी बडिंग बडिंग में क्या होता है जैसे आपने पेड़ों पे कली का देखिए बड़ देखिए तो इस प्रकार बड़ बनता है और दूसरे में ये नया बड़ बनता है और समय के साथ ये बड़ बढ़ते जाते हैं और ये बड जो है एक नई ईस्ट के फॉर्म एक नई ईस्ट कोशिका के रूप में बनता है ठीक है तो यह हमारे मुकुलन हो रहा है क्लियर आलू में आपने देखा होगा ये छोटे छोटे आपको आई दिखा देते इसे आई ऑफ द पोटैटो आलू की आंख इसे कहा जाता है ठीक है और ये जड़ते हैं ये कायिक प्रतिक्रिया के द्वारा हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक है उसके प्रकार उसके साथ आप यहां पर स्पोर जनन या स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं ठीक है ज्यादातर आप स्पायरोगायरा में देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन तो यहां पर आपको एक अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो तो फर्स्ट ऑप्शन आता है ठीक है तो ईस्ट में मुकुलन होगा आलू में कायिक प्रवर्धन होगा शेवेल में आप जैसे शेवेल या आप स्पायरोगायरा का उदाहरण लें तो शेवेल में बीजाणु समासंग होगा बीजाणु जनन होगा और फज्जाय कवक कवक में आपका सॉरी uh, शेबल में आपका एलगी uh, खंडन होगा और कवक में आपका बीजाणु समासंग होगा फंजाई में आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा ठीक है स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बहुत सारे स्पोर्म्स ये स्पोर्स जो हैं ये जमा हो जाते हैं ठीक है और ये बीज जम जाते हैं और जैसी ये बीज एक थैली से निकलते हैं तो इन बीजों से जनन होता है इन बीजों से ही फिर आगे पूरा पौधा बनता है ठीक है ध्यान रखिए चलिए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ इसका एक उदाहरण है ठीक है नहीं दीपिका दिप, आप भाई कंफ्यूज कर रहे हैं दीपिका ध्यान दीजिए ये फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ है फर्मेंटेशन नहीं फर्मेंटेशन अलग होता है फ्रेगमेंटेशन अलग होता है आप फर्मेंटेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं जो अल्कोहल बनाने में प्रक्रिया यूज होती है वो फर्मेंटेशन वो अलग है ये हमारी रिप्रोडक्टिव प्रणालियां हैं रिप्रोडक्टिव ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव के ये मोड है ठीक है ध्यान रखिए इसको क्लियर और यहां पर इसका उत्तर ध्यान रखिए किसी ने सही नहीं दिया इसलिए डू मार्क इसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा सब ठीक है और अगर मैं आपसे पूछूं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा बेहतर मोड होता है तो आप क्या उत्तर देते हैं प्रकृति के अनुसार कौन सा बेहतर मोड होता है सेक्शुअल होता है या सेक्शुअल होता है तो उत्तर है सेक्शुअल सर ऐसा क्यों क्योंकि मोड दो जीवों के बीच में होता है और ए तो सेक्शुअल फर्क, फर्क पड़ेगा जो वेरिएशन आते हैं जो हमारे बदलाव आते हैं ठीक है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ही देखे जा सकते हैं उन बदलाव से क्या होगा सर यदि कोई महामारी आती है तो महामारी के समय हर तरीके जीव का सर्वनाश नहीं होगा लेकिन ए सेक्शुअल में क्या होगा हर तरीके जीव का सर्वनाश हो जाएगा क्योंकि सबकी एक ही तरह की आकृति एक ही तरीके का शेप एक ही तरह का बिहेवियर एक ही तरह का इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता होता है लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है हर जीव अलग होता है जीन्स के कारण बदलाव आते हैं वेरिएशन आते हैं तो इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसफोर जो रिप्रोडक्शन है वो प्रकृति के अनुसार बेहतर है क्योंकि वो जीवन के लिए व्यापक है और जीवन उससे Uh, काफी ज्यादा कॉन्टिन्यूटी में रहता है अगर हमारा मोड ए रहेगा तो हम कभी भी किसी वायरस के द्वारा खत्म हो सकते हैं पूरा जीवन चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है सिर और ऊपरी जबड़े के बीच के जोड़ को इसका उदाहरण दे मतलब आपको बताना है जो सिर होता है हमारा हेड जो होता है और अपर जो ऊपर का जो जबड़ा होता है वो किस तरीके का जोड़ है वो एक पैल्विक जोड़ है एक फिक्स जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है या हिंस जॉइंट है चलिए देखते हैं भाई अगर क्वेश्चन आपको नहीं सुनाई दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चन आप एक बार क्वालिटी को चेंज कर, कर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा 144p पी से आप 240p पी पर करेंगे 240 पिक्सल पे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ठीक है ठीक है तो ये होता है फिक्स जॉइंट बॉल इन सॉकिट कैसे हो सकता है भाई क्या हमारा सिर इधर उधर जा सकता है क्या फिक्स रहता है ना देखिए ये जो हमारी खोपड़ी है ठीक है इस खोपड़ी में ये जो जॉइंट बने हुए हैं ये आप क्रैक जो देख पा रहे हैं ठीक है ये क्रैक क्या है ये हमारा फिक्स जॉइंट है ठीक है यहां पर यहां पर नजर आएगा ये फिक्स जॉइंट है बॉल इन सॉकेट जॉइंट कैसे होता है जो मूव कर सकता है मूव कैसे जैसे हमारा शोल्डर है ठीक है शोल्डर जिससे आप बॉल डाल सकते हो तो ये मूव कर सकता है ये चारों तरफ मूव कर सकता है ठीक है हिंज क्या होता है जो एक ही तरफ मूव कर जाए कोहनी पे होता है हमारा या एंकल में होता है ठीक है फिक्स जॉइंट क्या होते हैं ये वो जॉइंट है जो फिक्स रहते हैं और आप जानते हैं इसमें क्रैक आता है तो बहुत खतरनाक क्रैक होता है वो ठीक है और मृत्यु भी हो सकती है ठीक है फिक्स जॉइंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ आई होप सबको ये विजिबल होगा ठीक स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है यह आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन विजिबल है सबको एक बार क्वालिटी चेंज करके देखेगा तो विजिबल हो जाएगा ठीक है यकृत दिया हुआ है अमाशय पिताशय अग्नाशय और दूसरी तरफ दिया हुआ है जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है जहां पित्त रस संचयित होता है शुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है सबसे बड़ी ग्रंथी देखते हैं यहां पर क्या उत्तर आता है तो बीना शालू दीपिका सब उत्तर करें यहां पर भाई अगर आपका पेपर टू साइंस कितनों का है यहां पर जरा मेरे को मेंशन करें पेपर टू साइंस वाले कितने छात्र हैं यहां पर जरा मेंशन करें एक बार यस सर यस सर करके सूचित करें अगर आपका पेपर टू साइंस है तो समय बहुत कम है पेपर वन पर्यावरण के लिए एक महीने का समय भी पर्याप्त होता है लेकिन पेपर टू के लिए दो महीने काफी नहीं होते हैं पेपर टू का कोर्स वास्ट होता है चाहे आप सोशल साइंस वाले हैं या साइंस वाले हैं ध्यान रखिए इस बात को ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो यकृत जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथी बिल्कुल सही है सबसे बड़ी ग्रंथि है ठीक है फिर अमाशे क्या करता है अमाशय स्टमक जहां प्रोटीन ठीक है जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आरंभ होता है पिताशे क्या करता है पिताशे आप जहां पित्त की थैली भी कह सकते हो आप इसे या गॉल ब्लैडर भी कह सकते हो ठीक है इसमें बाइल जूस जो होते हैं जो पित्त रस होता है वो संचयित होता है स्टोर होता है यदि आपसे पूछा जाए बाइल जूस का निर्माण कहा होता है तो आप लीवर बोलेंगे लेकिन यदि आपसे पूछा जाए बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है तो आप पिताशे ही बोलेंगे Clear? तो अग्नियाशय का क्या है यह शुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है यानी ये डाइजेस्टिव जूस, जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं ठीक है अग्न्याशय रस जिसे कहा जाता है वो रिलीज करता है अग्न्याशय। क्लियर तो यहां पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है right. अगला क्वेश्चन है डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसके द्वारा दिया गया है यह क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा माइशर के द्वारा एम एल फिशर के द्वारा या खुराना के द्वारा खुराना यानी हरगोबिंद हर, हर सिंह खुराना आपने बहुत बड़ा नाम है बायोलॉजी के फील्ड में आपने सुना होगा बहुत बढ़िया बीना सिंह बहुत बढ़िया अमरिन शिवानी वॉटसन एंड क्रिक बिल्कुल सही है ठीक है तो वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल फेमस है यदि मैं बना के दिखाऊं तो एकदम स्टेयर केस जैसा होता है स्टेयर केस मतलब सर मतलब जैसे सीढ़ियां चलती हैं कोई सीढ़ियां आपकी पैरल आ रही है वैसा ही स्ट्रक्चर डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर जिसमें फिर शुगर होते हैं आपके तरह तरह के एडीनाइन गुअन थायमिन ठीक है साइटोकिन एटीजीसी चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साइटोलॉजी किसे कहते हैं साइटोलॉजी क्या है रसायनों का अध्ययन है ठीक है कोशिका का अध्ययन है या साइक्लो चक्रवात का अध्ययन है या इनमें से कोई नहीं है यह आपको बताना है साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है ठीक है तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स को कहा जाता है ध्यान रखिए स्टडी ऑफ सेल्स को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आया आपके सामने नेम लिखित में से कौन सा समूचे संचारी रोगों का निरूपित निरूपित करता है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज ठीक है कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो आ, संचारी रोग है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं तो कौन सा ग्रुप ऑफ डिजीज है आपको बताना है जल्दी से रक्तशीणता स्कर्वी अतिसार हैजा ठीक है उसके बाद मियादी बुखार जैसे टाइफॉइड कहते हैं मलेरिया रक्तशीनता स्वाइन फ्लू मियादी बुखार टाइफॉइड स्वाइन फ्लू मलेरिया या पोलियो या डायबिटीज मियादी बुखार और रक्तशीनता क्वेश्चन नंबर इलेवन है ये इसका उत्तर करिए जल्दी से बहुत बढ़िया तो हमारा टाइफॉइड भी संचार होता है ये कम्युनिकेबल है स्वाइन फ्लू जैसे हम एच वन एन वन कहते हैं ठीक है मलेरिया और पोलियो ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज है ठीक है अनुवांशिक होता है आपका रक्त रक्तशीनता अनेमिया, डायबिटीज भी आपका समय के साथ डेवलप होता है कम्युनिकेबल नहीं होता है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलन बनाने के में सहायता करते हैं ठीक है राइट भालू आपने सुना है ध्रुवीय भालू के बारे में सब जानते हैं पोलर बियर तो पोलर बियर के फीचर्स आपको यहाँ बताने हैं कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ कई बार ये आया भी है एग्जाम में तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्या क्या विशेषताएं पोलर भालू की रहती हैं जो अडेप्ट करने में ठीक है जो उसे अनुकूल बनाने में इतने ठंडे तापमान में रहने के लिए उसे अनुकूल बनाती उसे रहने पर आसान कर देती उसका काम यह आपको बताना है बहुत बढ़िया तो यहां पर उत्तर आ रहा शो कृष्णकांत शालू दीपिका बीना शालू कुमार प्रीति रेखराज हेमा दीप्ति बहुत बढ़िया ठीक है तो सफेद फर होता है लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं और फैट अंडर स्किन होता है यह बिल्कुल सही है ठीक है तो ए इसका बिल्कुल सही है जो भालू होता है आप देखिए इसका सफेद फर है बिल्कुल क्या इसकी स्किन का कलर भी सफेद है क्या इसकी त्वचा का कलर भी सफेद है तो आंसर है नो इसकी त्वचा का कलर ब्लू ब्लैक होता है सर हमें तो सफेद दिखाई दे रहा है तो इसका जो फर है वो इतना मोटा है कि हमें पता नहीं चल पाता है आप इसकी स्किन का कलर इसकी नाक देख के पहचान सकते हैं तो जैसी इसकी नाक है वैसा इसका कलर होता है फ्लैट फीट इसके नहीं होते हैं इसके पंजे क्लॉज इसमें देखे जाते हैं ठीक है क्लॉज ठीक है पंजे इसके अच्छे खासे होते हैं फ्लैट होंगे तो इन्हें ठंड ज्यादा रहेगी तो इस तरीके से बने होते हैं जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि चपटे पैर अगर चपटे पैर होंगे इनके फ्लैट फीट होंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी उन्हें उनको नाखून होते हैं जो इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बचाते हैं धरती से क्योंकि धरती पर बर्फ जमी हुई है ठंड लगती है राइट तो और इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ये कई किलोमीटर से अपने शिकार को सूंघ सकते हैं ध्यान रखिए इनकी स्किन के अंदर एक वसा की परत होती है जो इन्हें अत्यधिक तापमान जब गिर जाता है उससे भी बचाती है उनके उष्मा को बचाए रखती है गर्मी बनाए रखती है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये आपका क्वेश्चन है जिस प्रकार ये शब्द जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड है एनिमल से संबंधित है उस प्रकार एंटोमोलॉजी शब्द किस से रिलेटेड है यह आपको बताना है ठीक है जिस प्रकार जूलॉजी जूलॉजी किसे कहा जाता है जंतु विज्ञान या जंतु शास्त्र एनिमल से संबंधित है तो एनिमल्स की स्टडी हम जूलॉजी में करते हैं तो आंतोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं यह आपको बताना है पक्षियों का कीड़ों का सांप का या हड्डियों का जल्दी से इसका उत्तर करिए अमरीन करंट अफेयर का क्लास होता है सैटरडे वन टेन पर ठीक है और यहाँ पर वन्ना का उत्तर आ गया वन्ना ओछा पल्लवी गुप्ता दीपिका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो इंसेक्ट्स की स्टडी को इसे कहा जाता है ठीक है आंथोमोलॉजी में हम कीड़े मकोड़ों, कीट कीड़ का अध्ययन करते हैं ठीक है ये ध्यान रखिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यस निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी ठीक है आपको ये बताना है कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी विज्ञान क्लब की स्थापना क्षेत्र भ्रमण का आयोजन विज्ञान का कोना बनाना या कक्षा में व्याख्यान सुनना एक्टिव लर्निंग का प्रोत्साहन नहीं करेगी ये आपको बताना है चलिए जल्दी से इसका उत्तर करिए प्रावधान नहीं करेगी सक्रिय एक्टिव लर्निंग का बहुत बढ़िया पर प्रिया दीपिका चारनी शिवानी रमेश वन्ना एक्सीलेंट आंसर तो यहाँ पर लिसनिंग टू लेक्चर इन अ क्लास तो लेक्चर मेथड कभी भी एक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित नहीं करता है ये ध्यान रखिए बाकी ये तीनों एक्टिव लर्निंग के भली भाती अच्छे उदाहरण हैं यहाँ पर विज्ञान के कोना मतलब एक ऐसा क्षेत्र बनाना जहां पर विज्ञान का डिस्कशन हो रहा हो विज्ञान में नई तकनीकों के ऊपर चर्चा हो रही हो ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पंद्रह टस्क का मतलब क्या होता है जो हाथी के दांत होते हैं जो बाहर व्यस्क के एक दांत निकलते हैं हाथी के उसे टस्क कहा जाता है ठीक है जिनकी तस्करी भी होती है स्मगलिंग भी होती है वो किस प्रकार के दांत होते हैं ठीक है थीके? वो इंसाइजर होते हैं यानी छेदक वो कैनाइन होते हैं यानी भेदक ठीक है वो प्री मोलार होते हैं यानी अग्र चर्ण वक या मोलार होते हैं चर्ण वक ये आपको बताना है जल्दी से इसका उत्तर करिए अच्छा क्वेश्चन है और कई बार सी टेट में क्वेश्चन आया है पैटर्न पर ठीक है पैटर्न क्या होता है टीथ फॉर्मुला क्या होता है बहुत बढ़िया तो ध्यान रखिए वो इंसाइजर होते हैं वो साइड से निकलते जरूर हैं वो छेदक होते हैं लेकिन ठीक है मॉडिफाइड इंसाइजर होते हैं छेदक दांत होते हैं हाथी के सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे दांतों का पैटर्न कैसा है तो आई सी पी एम ये हमारा पैटर्न रहता है इसे ध्यान रखिए इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलार मोलार ठीक है और इसी में हमारा टू वन टू थ्री ये टीथ का फॉर्मुला है दो इंसाइजर एक केनाइन एक दो प्रीमोलार और तीन मोलार ठीक है इंसाइजर यानी छेदक केनाइन यानी भेदक यानी अग्रचर्णवक मोलार यानी चर्णवक कई बार ये क्वेश्चन आया सही पैटर्न में लगाइए सही सीक्वेंस में लगाइए तो आईसीपीएम आप ध्यान रखेंगे आईसीपीएम आपको याद रखना चाहिए टू वन टू थ्री बाय टू वन टू थ्री ये हमारा टीथ फॉर्मुला है ठीक है यानी हमारे जबड़े के ए, एक एक आधे हिस्से में ऊपर की तरफ आठ दांत और नीचे की तरफ आठ दांत होते हैं आधे जबड़े में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिलाकर और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी टू वन टू थ्री और टू वन टू थ्री रहता है और ये टू वन टू थ्री मैंने आपको बता दिया है ठीक है इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आया है दो हजार सोलह में आया है और आगे भी आएगा ध्यान रखिए मम्स एक डिजीज होता है ये किस प्रकार का डिजीज है ये बैक्टीरियल है प्रोटोजोवा से होता है एलर्जी से होता है या विषाणु है ठीक है जीवाणु है प्रोटोजोआ से होता है एलर्जिक है या विषाणु है वायरल है यह आपको बताना है मम्स में क्या होता है जो हमारा ग्रंथि होता है ठीक है कौन सा ग्रंथि सलाइवा लार की जो ग्रंथि होती है ठीक है तो लार में इंफेक्शन होता है और लार में वायरल इन्फेक्शन होता है ठीक है और जब वो इन्फेक्शन हो जाता है तो लार लगातार निकलता जाता है और इन्फेक्टेड होता है स्वेलिंग आ जाता है स्वेलिंग आने के कारण हमारा ये दोनों पार्ट सूज जाता है और ये वायरल डिजीज होता है मम्स एक वायरल डिजीज होता है बफरिंग हो रहा है क्या आई होप बफरिंग का इश्यू ना हो रहा हो यस एवरीथिंग इज क्लियर आई होप ठीक है तो मम्स एलर्जिक नहीं है वायरल डिजीज है ध्यान रखिए कब होता है जब सेलाइबा हमारी लार में या पेरोटेड ग्लैंड जो होता है कर्ण पूर्व ग्रंथि जो होती है सेलाइवी एमाइलिस के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए ठीक है तो होता है मब्स अगला क्वेश्चन है मिरर से यहां पर इंग्लिश उपलब्ध नहीं है मैं बता देता हूं अवतल होता है कॉन्केव उत्तल होता है कॉन्वेक्स प्रतिबिंब होता है इमेज उल्टा होता है इन्वर्टेड ठीक है सीधा होता है इरेक्ट आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है तो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है ठीक है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है और अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है प्राची तो वही सेशन कंटिन्यू हो रहा है हाँ तो इसमें गलत क्या कहा था प्राची आई थिंक आप सुन रहे हैं तो वही सेशन कंटिन्यू हो रहा है चलिए अटेंड करने इंग्लिश वाले भी अटेंड कर सकते हैं आप बस ये बताइए क्या कॉन्केव इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों इमेज बनाता है येस और नो करके कमेंट करिए क्या अवतल दर्पण सीधी और उल्टी प्रतिबिंब दोनों बनाता है या नहीं तो आंसर बिल्कुल सही है वो सीधी इमेज भी बनाता है और वो उल्टी इमेज भी बनाता है ठीक है तो छह केसेस हमने पढ़े छह में से पांच केस मैंने आपको बताया जिसमें उल्टा इमेज बनेगा लेकिन जब फोकस के आगे रखा जाता है तो सीधा प्रतिबिंब वो बनाता है ठीक है जैसे ये कौन सा मिरर हो सकता है इस वाले दर्पण को पहचानिए कौन बताएगा ये जो रियर व्यू मिरर है ये किस प्रकार का दर्पण हो सकता है अवतल होगा या उत्तल होगा कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा जल्दी से इसका उत्तर करिए ये किस प्रकार का दर्पण हो सकता है यस मुझे इसका उत्तर कॉन्केव या कॉन्वेक्स अवतल या उत्तल के रूप में चाहिए कौन सा दर्पण आप देख रहे हैं यहाँ पे यहां पता चल जाएगा आपका जो संज्ञान है कितना आपको समझ आया है ठीक है तो ये कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स है उत्तल है उत्तल है भाई एक खुद से बात समझो जब अवतल की बात कर रहे थे कॉनकेव की बात कर रहे थे तो कॉनकेव उल्टी इमेज भी बनाता है और सीधी इमेज भी बनाता है सर वो सीधी उल्टी इमेज कब बनाता है और सीधी इमेज कब बनाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास होता है तो वो सीधी बनाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उल्टी बनाता है तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं और पीछे बस चल रही है तो आपको अच्छा लगेगा कि कभी इमेज कभी बस उल्टी नजर आ रही है कभी बस सीधी नजर आ रही है आपको अच्छा लगेगा ऐसा बस जैसी पास है तो सीधी नजर आ रही है वरना बस उल्टी चलती हुई नजर आ रही है तो आप कभी भी कॉनकेव या अवतल दर्पण का इस्तेमाल रियर व्यू मिरर्स में नहीं कर सकते आप एक ऐसे दर्पण का इस्तेमाल करेंगे जो हमेशा सीधी इमेज ही दिखाए और वो है कॉन्वेक्स उत्तल उत्तल जो दर्पण होता है वो सदैव भी सीधी प्रतिबिंब दिखाता है ठीक है उल्टा कभी नहीं दिखाता है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित में से किस समूचे में केवल दूरी मापने का मात्रक है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस ये आपको बताना है यस yes, तो uh, बालिश्त यानि क्यूबिट वर्ष प्रकाश वर्ष बालिश्त मीटर प्रकाश वर्ष मीटर हर्ट्स बालिश्त या मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्स जल्दी से इसका उत्तर करिए भाई बफरिंग हो रहा है क्या यहाँ पे बफरिंग का शालू बोल रहे हैं कृपया गाइस एक बार बता दीजिए बफरिंग का इश्यू आ रहा है तो और जो नए हैं एक बार जरा सब्सक्राइब भी कर दें स्क्रीन क्लियर नहीं है तो अपना क्वालिटी एक बार चेंज करेंगे आप सब ठीक है क्वालिटी कैसे चेंज करेंगे वहां पर 144p पी से आप 240p पी पर जाएंगे बहुत बढ़िया ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबिट बालिस्ट मीटर और वर्ष ध्यान रखिए लाइट ईयर ईयर जरूर है इसके अंदर लेकिन ये समय का नहीं ये दूरी का यूनिट है ठीक है तो लाइट ईयर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय करी गई है बालिश बालिश क्या होता है सर मैं आपको बता सबसे पुराना दूरी नापने का तरीका बालिश होता है एक फट्टी जैसा होता है या आप एक उसको बाद में फट्टियों को बनाकर एक क्यूब का शेप दे दिया जाता है और पिरामिड के निर्माण में क्यूबिट का ही इस्तेमाल हुआ है ध्यान रखिए पिरामिड का जो निर्माण करा गया इतने हजारों साल पहले वो क्यूबिट के द्वारा हुआ है ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर पहला योगिक जिसका पाचन शुरू होता है आपको बताना है फर्स्ट कंपाउंड जिसका डाइजेशन शुरू होता है वो स्टार्च होता है वसा होती है प्रोटीन होते हैं या ये सभी होते हैं फर्स्ट कंपाउंड जिसका डाइजेशन शुरू होता है यस yes, क्विकली ये क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ट्वेंटी भी हो सकता है एक आधा अगर पीछे हो गया हो यस yes, फैट्स का कैसे होगा फैट्स का नहीं होगा है ना स्टार्च बिल्कुल सही है जो हमारा मांड होता है स्टार्च उसका सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है कहां पर शुरू हो जाता है मुख के अंदर माउथ के अंदर ही स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस है ट्वेंटी है आपको बताना है जब भोजन मिश्रित लार में बनता है तो उसे क्या कहा जाता है वेन फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा ठीक है जब भोजन को लार में मिश्रित करा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तरल भोजन बोलुस फद कहा जाता है या पेरोटिड कहा जाता है बोलुस कहा जाता है बिल्कुल बिल्कुल उसे बोलुस कहा जाता है ठीक है तो लिख लीजिए बोलस क्या होता है बोलस फूड का जब मिश्रण होता है सलाइवा लार से ठीक है और काइम कहा जाता है जब पैंक्रियाटिक जूस जितने भी हमारे पाचन रस हैं फूड का उससे मिश्रण होता है तो उसे काइम कहा जाता है है ठीक अगला क्वेश्चन पहला ग्रंथि जो पाचन शुरू करता है यह आपको बताना है पहला ग्रंथि जो पाचन शुरू करता है फर्स्ट ग्लैंड डेट स्टार्ट डाइजेशन यह आपको बताना है तो सेलाइवरी ग्लैंड होगा लिवर होगा पैनक्रियाज होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन होगा सेलाइवरी यानी लार की ग्रंथि, लिवर ठीक है जकृत इसे कह सकते हैं आप पेनक्रियास होगा हमारा अग्न्याशय या छोटी आंत होगा जहां पर डाइजेशन शुरू होता है तो इसका ए क्योंकि डाइजेशन जो हमारी पाचन क्रिया है वो मुख के अंदर शुरू होती है तो इसलिए सेलाइव ग्लैंड जो है वो सबसे पहले डाइजेशन शुरू करता है अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी लार की ग्रंथि कौन सी है तो आप उत्तर देते हैं पैरोटिड कहाँ पाए जाते हैं हमारे यहां मुख के अंदर गाल के इनसाइड कान के पास कर्ण पूर्व कर्ण पूर्वक ग्रंथि ने कहा जाता है ठीक है सबसे बड़ा होता है लार की ग्रंथि पैरोटिड ठीक है और ये क्या रिलीज करता है ये टाइलिन नामक एंजाइम रिलीज करता है जिसे भी बोलते हैं टाइलिन को रिलीज करता है ठीक है पहला एंजाइम जो पाचन शुरू करता है फर्स्ट एंजाइम डेट डाइजेशन तो टाइलिन होगा इंसुलिन होगा या बाइल जूस होगा तो इसका उत्तर भी टाइलिन हो जाएगा ठीक है टाइलिन को सर दूसरा नाम क्या दिया जाता है तो टाइलिन को हम सेलाइवरी एमाइलिस भी कहते हैं ठीक है सेलाइवरी एमाइलिस ये ध्यान रखिए क्लियर तो ये चीज ध्यान रखिए ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक ट्वेंटी थर्ड होगा ठीक है चलिए तो दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में और भी है अभी मेरे पास उसका पीपीटी uh, अभी आया नहीं है लेकिन मैं आने वाले समय में आपको और क्वेश्चंस लेके आएंगे पेडोलॉजी पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ध्यान दीजिए विज्ञान के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कॉन्टेंट पार्ट पर क्योंकि बीस क्वेश्चन आएगा और पैडोलॉजी में आपको कुछ प्रिंसिपल्स पे बहुत ध्यान देना है नेचर ऑफ साइंस ठीक है एक्सपेरिमेंटेशन और जो सी सी है वैल्युएशन इस पर थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे उसके साथ हम एस एस टी के लिए मिलेंगे रात को नौ बजे नाइन पी एम हम एस एस टी के लिए मिलेंगे कॉट दिस पॉइंट सोशल साइंस वाले नौ बजे रात को रेडी रहना आज खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति यूट्यूब पर अनअकेडमी विद्या पर ठीक है थैंक यू बाय बाय जय हिंद जय भारत